द प्लेस ऑफ लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो हम सीरीज लेके आए हैं गाइज, इसमें हम जाओ इंटरव्यू की मोर क्वेश्चन का प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें हम जावा वेब डेवलपमेंट मल डेवलपमेंट एज फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट का, जावा का हो गया, पाइथन का हुआ, और जितने भी टेक्निकल लैंग्वेजेज होते हैं सारे की हम लोग क्या कहते हैं मोक इंटरव्यू लेते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है गाइज, अगर आपको भी मोक इंटरव्यू लेना है तो आपको क्या करना है, हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसमें एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एड होना है। देन एड होने के बाद गाइज आपको आपको मैसेज करना है कि आई एम इंटरेस्टेड, देन आपकी मोक का इंटरव्यू रखा जाएगा। ओके, तो अगर आपको भी इंटरेस्टेड हो तो ये मेरा मैनुअली जो ये मोक इंटरव्यू का हमने सीरीज जो रखे, इसमें आपको गाइज क्या करना है, सामने वाले जो आंसर देता है, सपोज हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं गाइज, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को सुनना है। क्वेश्चन को सुनने के बाद आपको गाइज क्या करना है, अगर आपको पहले से वो वाला क्वेश्चन आना है तो वीडियो को क्या करना है, पुश करना है। देन पुश करने के बाद आपको खुद से आंसर देना है, देन सामने वाले की भी आंसर को क्या करना है, सुनना है, जिससे आपका भी इंटरव्यू क्या हो जाएगा, गाइज हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, हमने सपोज हमने यहाँ से क्वेश्चन पूछने, तो आपको क्या करना है गाइज, हमारा वीडियो को पुश करना है, पुश करके आपको क्या करना है, खुद से आंसर देना है। नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, सेम आपको करना है कि क्वेश्चन को सुनना है, देन खुद से आपको क्या करना है, आंसर देना, जिससे आपका भी इंटरव्यू क्या हो जाएगा गाइज, कंप्लीटेड हो जाएगा। ओके, अगर इन केस आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो सामने वाले के आंसर देखना है, अगर उसके बाद भी नहीं आते हैं तो आपको यूट्यूब पे या गूगल क्रोम पे जाके उसके आंसर को सर्च करना है और उसको नोट डाउन करके नेक्स्ट अगेन आपको क्या करना है, इंटरव्यू सेम वीडियो आपको क्या करना है, या नेक्स्ट वीडियो में जो आप इंटरव्यू का वीडियो देखेंगे उसमें फिर से प्रिपेयर। अगर आपने चार पांच अगर ऐसे ही वीडियो आपने पर डे देख लेते हैं तो आपकी इंटरव्यू में किस टाइप की क्वेश्चन पूछी जाते हैं ये आपको आइडिया हो जाएगा, जिससे आप अगर रियल इंटरव्यू देते हैं तो वहां पे आपको इशू नहीं होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बस क्वेश्चन सुनना है, देन आपको पुश करना है, पुश करने के बाद आपको क्या करना है गाइज, आपको खुद से उसका क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। ओके, इन केस अगर आपको भी इंटरव्यू देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक होगा, वहां पे जाके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग कीजिए, ग्रुप ज्वाइनिंग करने के बाद हमें मैसेज कीजिए आई एम इंटरेस्टेड, देन आपका इंटरव्यू होगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो गाइज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए आई एम इंटरेस्टेड, देन हमारे टीम आपसे कनेक्ट करेंगे और आपकी भी मॉक इंटरव्यू होगा। ओके, तो अब बिना रेट्स किए अब हम लोग क्या करते हैं, मॉक इंटरव्यू की और चलते हैं। थैंक यू सो मच। Can you start interview? Yes, sir. Okay. Tell me your self introduction first. Okay. First of all, thank you. I'm Shweta and I'm basically from CUNY, but currently staying in Indore. And I have done my graduation BTech student from Aston University, Sagar. And I have done my internship in Java Developer Intern from Universal Informatics Solution. And I'm coming with my skills. So I'm skilled in Java, MySQL, HTML, CSS, and have a good knowledge about the Java. If I'm coming my project, so my recent project was the training management system. This was my project name, and this project also integrate relation between student and institute. If many students also face the problems like searching the institute and what is the provide the feed. Facilities like if the which courses so also is very easily available, and many institute also easily register the platform. I see your only for IE, so you have to only for I see your IE, so you have to scroll down. Your face is not hello. थोड़ा सा आप scroll down. Yeah, थोड़ा सा आप system को क्या करो, नीचे करो आपकी. हाँ, just wait. Okay. Yeah. Okay. You have to technical knowledge in Java, right? Yes, sir. Okay. You have any framework like Spring Boot, Servlet? You have to knowledge. Yes, I have a little bit knowledge. I learned, but and I have some process, but I have not a fully knowledge, but I am little knowledge. Okay, nice. Okay, what is Java? Java is a class. Java is a programming language, and it is developed by James Clausen, and it is an object-oriented programming language, and it is marketed 1995. And it's called, and now it's also called Oak, and it also is, and then after also 1996 also is named the Java. Java is an object-oriented programming language. It is independent language and architectural language. Okay. What is the difference between the class and object? Class and object. Yeah, class and object. Class and object. Class.
हेलो। नाउ ऑडिबल? या नाउ एवर आई थिंक यू हैव टू नेटवर्क इशू। या सर, ओके सो कैन यू एक्सप्लेन अगेन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। या ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास एंड ईच एंड एवरीथिंग इन ए ऑब्जेक्ट इन जावा एंड इन क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट. इन मींस वी कैन से इन ऑब्जेक्ट इज लाइक स्मॉल फॉर इज इन ऑल ऑफ ब्लूप्रिंट एंड स्ट्रक्चर इज नोन एज द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द क्लास. ओके गिव मी रियल टाइम वन एग्जांपल ऑफ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास वी से इफ यू आर क्रिएट द क्लास, क्लास नेम इज फॉर एग्जाम्पल लेट कार, कार इज ए क्लास नेम एंड देन आफ्टर इफ यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट सो कार इक्वल्स टू वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल एंड देन इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट वी आर यूजिंग द न्यू कीवर्ड सो इज ऑब्जेक्ट एंड पैरेंथेसिस मेथड. ओके व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन एंड गिव मी वन टाइम वन एग्जांपल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्शन व्हाट इज व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? ओके एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ओके एब्स्ट्रैक्ट इज अ कीवर्ड इन जावा एंड एब्स्ट्रैक्ट इज अ कीवर्ड इन जावा. एब्स्ट्रैक्ट इज अ मेथड क्लास एंड एट्रीब्यूट्स आल्सो. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन क्लास सो इफ क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट देन इट इज मैंडेटरी. Method is abstract, so it is mandatory to override the method and attributes is abstract. So also is like override the methods and attributes. And in concrete class, we can say ki no, in abstract class have a concrete method and abstract method. Both are included in abstract class. Okay. What is the difference between the rest and sit? You know rest and sit? Hello? Sir, yeah, what? Yeah, may I audible? No, sir, not clearly. Okay, what is the rest and sit? Rest and sit. I'm not. Hello? Understand. May I audible? Yeah, sir. No, sir, oh. Not clear voice. Okay, what is rest and sit? Okay, list and set. Okay, list is a collection of interface. Is child of collection and set also. And list interface is a child of collection interface. And list interface supports the duplicate element, but in set interface doesn't support the duplicate elements. In list also is array list, link list, vector. Yeah, vector also is a child of list interface and also it's array link list is a class and set is an interface also so is a hashed and link hashed is a class and a child of set interface and tree set also is a class and is a child of navigable and tree set. Hello, Priyanka. Hello. Yes, what sir? Is a method overloading and method overriding method? Method overloading and overriding. First, if we can achieve the dynamic polymorphism, we are using the Java provide the method overriding. To write a method in a child class that is already available in parents class is known as the method overriding. The method name must be the same and method return time must be the same. But after JDK 1.5, we can use the coroutine return time. And method argument must be the same in order in type of argument and its order of argument and must be the same. In method overloading we can say to write a method in method name must be the same but with different number of argument with different order of argument with different type of argument. Okay. Is method overloading. Okay, what is constructor and how many type of constructor using in Java? Constructor it's like a method but it's not the maker method because it doesn't have any return type and constructor name must be the same as the class. And constructor is a copy constructor and default constructor, parameterized constructor. Okay, Java supporting the copy constructor? Well, I'm not about the copy constructor, but I'm basically saying the copy constructor support. I'm not more about the note. Hello, Priyanka. Hello. Yeah, Priyanka, you have to join in 45, okay? Hello. Sorry. Yeah, you have to be running 4:45. 4:45.
4:45. ओके सर, यस फाइन. सॉरी, ओके आई एम वेटिंग यू, 4:45 यू हैव टू कम. ओके ओके सर, थैंक यू. ओके, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन एंड गिव मी वन रियल टाइम एग्जांपल ऑफ द इनकैप्सुलेशन. ओके सर, encapsulation is a process wrapping code and data together into a single unit. It's known as a encapsulation. In data member and member function in a secure in only single unit is known as the encapsulation. It's a medicine capsule. Example, the capsule is also several medicine also in a single unit. So it's real world example. Okay, you have to knowledge in the multi-threading and correction part. Now, sir, multi-threading is not full. I'm not really convinced the class, but all and. Okay, but what is multi-threading? Okay, you know what is multi-threading? Multi-threading is a multiple process in simultaneously is working. In for example, like any we are using many apps in a phone or laptop also. So, is multiple process and multiple task in executing simultaneously. Okay. So, is multi-threading. Okay, what is thread? You know thread? Thread. No, sorry. Okay, what is also, okay. So what is linked list? Linked list is a class, and it is supports a double linked list, and it is continuous memory allocation, and it has a linked list also is a homogeneous type of elements, and linked list is support heterogeneous element and support the duplicate elements, and also is a monitoring. Okay, you know it database which database you have to knowledge? MySQL. Yes, sir, MySQL. Okay, what is MySQL? MySQL is a structured query language, and it is connect to data from the database, and and we can access the data easily. Okay. What is wildcard? Sorry, sir. Okay. What is a foreign key? Foreign key, it is a type of the primary, but it's not primary because if two tables are two tables also in table also is give the reference. So also using the in is third table also is give the table also is a primary foreign key. It's a unique key, but it's not a primary. It's not null, but it's a unique type. And we are using the two table. We can use in Hindi. Yeah, no issue. हाँ हो सकते हैं. Okay, अगर suppose sir कि अगर कोई हाँ दो tables हैं, दो tables में हमें उसका reference से उसका data चाहिए, तो हम जो दो tables की जो primary key है हम उसका use करके हम foreign key, मतलब जो third table है उसमें हम ऐसे primary key को वहाँ पे आके foreign key use कर सकते हैं. Yes right. Okay. Join table क्या होता है? Join tables is a left join, inner join, right join. So if sir say ki hame join chahiye, like koi bhi agar hame data diya, data mein agar hame kisi bhi cheez ki common records chahiye ya fir kuch chahiye, to hum uska left join, inner join. Yes, here you risk. Hello, Rinka. Sorry, sister. Yes. 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 Here you please. Okay. Open new tab in Google Chrome. Sorry. आप क्या करो? एक न्यू टैब ओपन करो गूगल क्रोम में. हेलो, मैं ऑडिबल बोले कि एक न्यू टैब ओपन करो गूगल क्रोम में. यस सर, सर्च करो जावा ऑनलाइन कंपाइलर.
फर्स्ट लिंक को क्लिक करो। माय क्वेश्चन इज मिसिंग एलिमेंट ऑफ द एरे। ओके, एक एरे है उससे जो मिसिंग एलिमेंट नंबर है उसको आपको क्या करना है, प्रिंट करना। हेलो, व्हाट इज द क्वेश्चन? मिसिंग एलिमेंट ऑफ द एरे। हेलो, हेलो, मिसिंग, या मिसिंग नंबर ऑफ द एरे। ओके, देखिए द 2 3 4 5 6, सो मिसिंग नंबर इज अ 1। या वन इन एग्जांपल इंट एआरआर 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज द मिसिंग नंबर? No idea. So I can't understand ki what is the, like the 2 3 4 5 6 question mera hai number, meri question no no mera question kya hai, jaise ki aapne 2 3 4 5 6 likhe hain isme missing element 1 hai na, aap usko print kar. Okay, hum input output dono send karte hain cheat box mein. Dekho 1 2 4 aur 5 ye array hai and 6 output hame kya aana chahiye, थ्री आउटपुट क्या आना चाहिए, थ्री। एक बार चेक करो चेक बॉक्स में, आप बोल रहे हैं कि इनपुट दिया है आपने, एक बार चेक बॉक्स में से हमने क्वेश्चन को आंसर बोल दिए वो चेक करो। आई थिंक आपका लॉजिकल उतनी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट? हेलो, तो आप क्या करो, एक मेरा सीरीज है 56 क्वेश्चन का, द प्लेस ऑफ लर्निंग नाम का ग्रुप पूरे की मेरी एक सीरीज है द प्लेस ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पे, आप उसको पहले सॉल्व करो, 56 क्वेश्चन की एक सीरीज है। ओके, हेलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। बोले कि एक 56 क्वेश्चन की मेरी सीरीज है द प्लेस ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। ओके ओके, यू हैव मैसेज मी माय व्हाट्सएप नंबर। ओके ओके।